नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, जो हमारी जो मतलब कमेंट में जो सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मतलब जो ये जर्जिस अंसारी जी हैं, इन पे मौलाना जो जर्जिस अंसारी है, इन पे मतलब वीडियो लाओ, तो मैंने इसी मतलब आज इसी से रिलेटेड एक वीडियो लाया हूँ। उसका टाइटल है मौलाना जर्जिस इमोशनल बयान, दो औरत की कहानी। मतलब ये इमोशनल बयान होने वाला आज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में। ऐसा क्या खास है? उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलकर देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, दाऊद बाप है, सुलेमान बेटे हैं, एक किस्सा, एक वाकया पेश आ गया। बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, दो औरतें, अपने अपने दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में भेड़िया आया। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक भेड़िया आया और उस भेड़िये ने एक औरत के बच्चे को, छोटी और बड़ी औरत, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िये ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग अच्छा। आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया, ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। ओ, मतलब चलाकी करी। छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा, छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए माँ का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों, ये मुकदमा हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टट 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 बोलने वाली, जबान दराज और तेज पड़ती थी, बड़ी औरत कम बोल पाती है। मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टक 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, ये बच्चा बड़ी औरत का। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10-15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है, अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मेरी मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तालों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई, बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है, कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, मामला इतना बड़ा कि मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना, कहा कि सुनो, मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा, तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा, कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर हाँ, ये बात भी सच है, खुश हो जाएगा। तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी? कहने लगी, कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए, एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया, कहा जी बिसकीन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता है, उस फैसले को मानती नहीं हूँ, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी? लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूँ, दो टुकड़े कर देता हूँ, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूँ, इसको दो टुकड़े कर देता हूँ, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पे रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, छुरी से जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूँ, किसी बच्चे को कैसे काट सकता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे के बीचों बीच कमर पे रखी, छोटी औरत जिसका बच्चा था चीख पड़ी, आए सुलेमान ला तफअल हाकजा वल्लाही हाजा हुआ। आए सुलेमान, आप इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। आए सुलेमान, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। आए सुलेमान, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस
हटिए मत, ये उसी का है, वल्लाहि हुवा हाजा, अल्लाह की कसम वो बच्चा इसी औरत का है, इसी को दे दीजिए। वाह क्या बता, क्या इंसाफ हुआ, माँ सच्ची माँ ऐसी ही होती है। क्यों रोती हुई जाने लगी, बड़ी औरत मुस्कुरा रही है, खड़ी है, कट जाए मेरा क्या, मेरा तो बच्चा ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छोटी औरत जाने लगी और बड़ी औरत बच्चे को उठाने आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दूर दूर। उसने कहा क्या हुआ आपके सामने, उसने अल्लाह की कसम खा कर कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है इसका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते यही तो मैं देखना चाहता, यही तो मैं देखना चाहता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और उसकी तड़प ये बतला रही थी कि मेरा बेटा वो असली माँ है, मरना नहीं चाहिए, मुझे भले ही ना मिले इसी को मिले, मिल जाए कभी कभी देख लिया करूंगी, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा तो रहना चाहिए, अगर कट गया तो ना मेरा रहेगा ना इसका रहेगा। आए औरत, उस औरत की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि ये बच्चा उसका है तेरा नहीं, मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उठाया उस बच्चे को, कहा है औरत इधर आ, छोटी औरत, और कहा ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को तू पकड़, इस बच्चे की मालिक तू है, इस बच्चे की माँ तू है। मैं कहना ये चाहता था इंसान होने के नाते उनकी भी आंसू आ गए आंख में, कितने एनर्जी से बोल रहा हूँ, उनके भी आंख में आंसू आ गए। ओहो हाँ भाई, जो मौलाना जर्सी अंसारी है, मतलब जो इनका जो बताने का तरीका है, मतलब जो इन्होंने इस वीडियो में स्टोरी बताई है, मतलब काफ़ी टचिंग है, मतलब ये थी दिल के आर पार होगी, मतलब जो इन्होंने स्टोरी सुनाई। हाँ और सुनाई जो सुनाई भी उन्होंने साथ में, मेरे ख्याल से वो इमोशनल भी हो गए थे। हाँ और काफ़ी मतलब उन्होंने देखा, मैंने वीडियो में देख रहा हूँ ना, मतलब कि अपने आंखों से आंसू पोंछे, और जो उन्होंने बताया कि एक छोटी मतलब कि छोटी औरत बड़ी औरत वाक्य बताया, काफ़ी दर्दनाक वाक्य था वो। हाँ और जैसे कि हाँ मतलब आपने भी इस वीडियो में अगर सुना होगी, मतलब ये एक छोटी औरत एक बड़ी औरत जो किस्सा था, मतलब वो जंगल में जाते हैं और उनके भी एक एक बच्चा होता है, और वो एक जो बड़ी औरत का बच्चा है वो मतलब लोमड़ी खा लेता है, फिर वो बड़ी औरत बहुत चलाक होती है और बोलने भी अच्छी होती है, और वो कहती है मतलब किसी ने तो देखा नहीं होता कि वो बच्चा मतलब किसका बच्चा, मैं किसी ने लोमड़ी ने खाया है, तो वही है फिर वहाँ पे जाके गांव वालों कहते हैं कि बच्चा मेरा, तो इसी फिर जो मतलब फिर उनका जो मतलब भूखा होता है, मतलब नाम पता नहीं शायद पता नहीं क्या था, पर वो उनका जो न्याय करता है, पर वो गलत न्याय कर देते हैं, जो उनके बेटे होते हैं वो जो उनका न्याय करने का तरीका होता है ना वो काफ़ी कमाल का होता है। हाँ जो उन्होंने न्याय करा, मतलब कि ऐसा शानदार न्याय करा, जैसे कि उन्होंने बताया कि चलो मैं इस बच्चे को ही मार देता हूँ, आधा तुम ले जाना आधा तुम ले जाना, मतलब जो उसकी असली माँ थी वो बोली नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये जिसका है चलो मैं ये कुछ नहीं होता इसे आप मारो मत, जिसकी मतलब आप उनको दे दो, मुझे नहीं रखना, मगर क्योंकि ये मैं इनको देख देख के जीती रहूंगी, चाहे बड़े हो जाएंगे मगर चाहे मेरे पास नहीं मगर उनके पास नहीं, मगर उन्हें देख के जीती रहूंगी, और वो चले गए, असली आंसू निकले, मगर बड़ी जो बड़ी वाली थी वो औरत थी वो हंस रही थी और वो कह रही थी मैं जीत गई, तो उन्होंने समझ गया कि चालाकी मतलब कि ये बड़ी औरत ने चालाकी करी है, छोटे औरत को उन्होंने उनका बच्चा दे दिया। हाँ और वैसे अगर मतलब बात करें तो जो मौलाना जर्सी अंसारी की है, मतलब जो ये मतलब बयान जिस तरह से बोलते हैं ना, मतलब काफी मतलब सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब लगता है कि सुनते रहे, मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट बना रहता है, मतलब हाँ काफी एनर्जी से बोलते हैं और काफी उस चीज में मतलब कि खो जाते हैं और बताते हैं, मतलब जैसे कि उस कहानी में ये खुद ही उसके पात्र हों और मतलब कि ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे इन्होंने ये कहानी की कभी मतलब कि फर्स्ट टाइम हम कहानी सुन रहे हैं, और काफी अच्छा मतलब एक्सप्लेन करते हैं, काफी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ और कई मतलब ये होता है कि मतलब कुछ मतलब कई ऐसे बयान देते हैं मतलब कि मतलब सुनते तो है, मतलब समझ में भी आता है, मतलब ये कि बॉडी एक्टिव नहीं रहती, मतलब जो इनके जो एनर्जी लेवल है ना काफी हाई है, मतलब बिल्कुल मतलब ये है कि बस ये कि सुनते रहे मतलब। हाँ और कहानी भी ऐसी सुनाते हैं कि जैसे कि सबको समझ में आती है, इनके जो वाक्य है, इनके जो बोलने का स्टाइल है, सेंस है, काफी अच्छा है, काफी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और काफ़ी अच्छी सेंस सुनाते हैं, मतलब कि अच्छी एक लैंग्वेज होती है और लोगों को समझ में भी आती है वो। हाँ सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।